Hello and welcome to DCA. So today we have a unique topic, you can say, which I picked up from various social media discussion groups, right? So I checked it out in some of the Telegram groups as well as the WhatsApp group. In the SSB aspirants forums, you can say, some of them were talking about what is the minimum marks required to score in SSB. Right, like we have in written exam, जैसे अपने पास written exam में होता है ना कि आपको minimum, जैसे NDA के section में आपको 25% लाने हैं, CDS you can check out कि 20% लाने हैं. So in written we have a minimum score in each subject. This is mentioned, right? अब SSB में कितने चाहिए? Then they were discussing कि what is the minimum percentage of marks required in SSB to qualify, right? कि एक minimum marks तो होता होगा, जैसे आप कहते recommended या not recommended, that is fine. Right, but what is the minimum marks above which the candidates are recommended? Right, so is there any official update about it, or what information we can deduce, we can extract out from the, you know, the marks of the recommended candidates available on our the authentic UPSC portals? Right, so you know, ये दो sources हैं आपके पास जिसके through आप ये बात जान सकते हैं या फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं. This is what I tried to do. So in this session, I will be, you know, keeping this focus in order to resolve the queries. जो आपकी queries थी कि हाँ कितने marks चाहिए. You know, I read somewhere in one of the authentic forum, उनके portal में, they were mentioned that you have to score around 70% marks in SSB in order to get recommended. But that's absolutely rubbish. ऐसा कुछ नहीं है. 70% marks is too much. Scoring 70% in SSB is a big deal. आप बहुत अच्छे, मतलब यू योर मिलिट्री साइकोलॉजी विल बी क्वाइट गुड इन ऑर्डर टू स्कोर 70%. बहुत अच्छा मार्क्स हो गया इनफैक्ट ये, राइट? और आजकल बड़ी मुश्किल से इतना आता भी है. मतलब आई इवन यू चेक अप द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स, दे हैव नॉट गॉट, यू नो, दिस मच मार्क्स इन द SSB, राइट? सो व्हाट आई ट्राइड, आई चेक्ड अपॉन एनी ऑफिशियल अपडेट. देर इज नो ऑफिशियल अपडेट फॉर द लास्ट टू ईयर्स. इफ यू लुक अपॉन, यू नो, CDS 2013-14 के टाइम वो जब कट ऑफ रिलीज करती थी यूपीएससी रिटर्न का, तो उस टाइम लिखती थी, फाइनल मेरिट लिस्ट में दे हैव मेंशन कि इतने परसेंट होना चाहिए. बट लास्ट 3-4 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, राइट? सो अगेन आई मूव्ड अपॉन कि व्हाट डेटा सेज. डेटा मतलब मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर इन पब्लिक डोमेन, यू कैन हैव ए लुक एंड देन एनालाइज. आप जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स देख के एक जनरल आइडिया, एक परसेप्शन और एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये मिनिमम मार्क्स इतना होना चाहिए. दिस इज वॉट आई ट्राई टू डू. यही चीज मैंने की ताकि जो बच्चे आने वाले टाइम में, जो अभी कुछ बच्चों का TES कैसेस भी है, किसी का नेवल का होगा, सम ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर अभी 29 से, आई थिंक कल से, कुछ बच्चे IMA वाले हमारे नोन ही है, मतलब हमारे इस बैच के स्टूडेंट्स है जिनका IMA का SSB है इलाहाबाद में, राइट? TES वालों का आने ही वाला है. देन वी हैव द NDA रिजल्ट्स कमिंग इन यू कैन से दैट अराउंड 15 डेज, और उनके SSB स्टार्ट होंगी. तो ये जो क्वेश्चन था ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट मैं क्लियर कट इसका आंसर जानना चाहता था. मेरी भी क्यूरियोसिटी की, ओके, व्हाट इज, आई एम गुड इन रिटन, आई हैव नेवर बीन टू SSB, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, राइट? मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था, बट नाउ आई वांटेड टू नो कि ओके, इफ समबडी आस्क मी व्हाट आई कैन से दैट कि दिस इज द मिनिमम, राइट? सो टू गेट एन आइडिया, आई एनालाइज्ड द 4 UPSC रिकमेंडेड लिस्ट, राइट? मैंने 2018-2019, क्योंकि 20 की तो आई नहीं है, राइट? 2020 फाइनल रिकमेंडेड मार्क्स हैज येट टू कम, तो अभी तक आई नहीं है CDS की, इसलिए उसको ले नहीं पाया, अदरवाइज आई कुड हैव टेकन दैट. मतलब 2 साल के मैंने जितने भी UPSC के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, आई एनालाइज्ड ऑल ऑफ देम, उन सबको एनालाइज किया, देन आई फाउंड समथिंग विच मे बी हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन हैव ए लुक, राइट? सो स्टार्टिंग आई टू टॉक अबाउट CDS IMA एज वेल. तो मैंने NDA 2019 जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ, देखो NDA की SSB 900 मार्क्स के होते हैं, रिटन में 9 और SSB भी 900 की, राइट? सो द लीस्ट स्कोर, जो सबसे कम स्कोर था SSB कैंडिडेट्स का, दैट वॉज 360, राइट? अब ध्यान देना इस बात पे, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेर ऑन 360, दैट इज अराउंड 6 कैंडिडेट्स. तो 6 out of 662, टोटल 662 बच्चे थे, उतने कैंडिडेट्स के आपके पास 360 थे. 360, 360 आउट ऑफ 900, व्हाट परसेंटेज डज इट गिव यू? इट गिव्स यू 40%, ओके, द मिनिमम मार्क्स 40%. NDA 1 2019, इफ यू चेक अपॉन, आप ना ये लिस्ट UPSC की वेबसाइट पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आप चेक कीजिए, और आपको करना चाहिए, यू शुड ऑथेंटिकेट एवरीथिंग. इफ यू लुक अपॉन दिस इन NDA 1 2019, राइट, द
कैंडिडेट विद द रैंक 114, इनफैक्ट एनडीए 2 में देखो 72 रैंक भी आए जिस बच्चे के एसएससी में 360 है, बिकॉज ही हैज डन वंडरफुल इन रिटन एग्जाम, उसके करीब आई थिंक 470 प्लस उसके मार्क्स हैं। एनडीए 1 में रैंक 114 हैज द मार्क्स 360, मतलब 360 करीब 4 से 4 प्लस बच्चों के थे। अगेन द मिनिमम मार्क्स इन द लिस्ट वॉज 360, विच अगेन गिव्स यू आइडिया ऑफ 40%। एनडीए 2 2018, आज से 2 साल पहले की बात, राइट, द लिस्ट रैंक 293 वॉज हैविंग 360, इससे इसके बाद भी थे और, बट जो सबसे पहला था जिसके 360 थे दैट वॉज 293 रैंक, अगेन दिस इज 40%, राइट। सीडीएस 1 2019, बिकॉज सीडीएस 2 2019 मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इज स्टिल नॉट इन पब्लिक डोमेन, इसलिए मैंने सीडीएस 2 का मार्क्स चेक नहीं कर पाया, वो आ जाएगा कुछ दिन में तो मैं वो भी एनालिसिस कर लूंगा। CDS 1 2019 के अगर आप देखेंगे, OTSSB is of 200 marks, right? 200 का written, 200 के SSB, and the marks, the minimum marks scored was 81, minimum marks. For IMA, INA, AFA में तो बच्चे ही कम थे, इसलिए उनके बाद मतलब 4-5 बच्चे recommend हुए थे तो उसको छोड़ देते हैं। IMA, Military Academy और Naval Academy का जो SSB है, that is of 300 marks, उनमें जो minimum marks था, the minimum marks was 121. Now again, if you check upon, this is 80 out of 200 is 40%. This is again 40%, right? 300 का 40%, 120 के आसपास है. So the minimum marks is 40%. You can see the trend, right? आपको इन data analytics से खुद भी पता लग जाएगा कि 40% वालों का हो रहा है और उससे नीचे किसी का नाम लिस्ट में नहीं है. That means you can guess that this is the boundary. आप 2 साल में जब ये pattern देखते हो, आपको खुद पता लग जाता है कि ओके द मिनिमम मार्क्स हैज टू बी 40%. ऑल्दो ये जो टोटल 40% है, जो भी 360 या एनडीए में या फिर जो ओटीएम 80 है, 81 है, ये आपको तीन अलग अलग डोमेन्स में मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड यू कैन सी GTO एंड द इंटरव्यूअर, राइट। आई हैव नेवर बीन टू SSB, आई अगेन रिपीट, बट दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द DIPR रिपोर्ट्स, और ये डेटा मैंने खुद UPSC की वेबसाइट से ऑथेंटिकेट किया है, राइट। सो देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड, इट्स ऑल गवर्नमेंट authentics, you know, updates and the data, right? So overall you can conclude that ki for any SSB, right, what SSB boards means is that you should be able to score minimum 40% in order to have in order to be a recommended candidate in the merit list, right? So merit list ka matlab jitni vacancy hai, मान लो वैकेंसी 400 है और आपके 550 रैंक है, तो आप रिकमेंडेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं, आप मेरिट आउट भी हो सकते हैं आगे। सो दिस इज द मिनिमम। तो मेरा मेन थीम यही था कि व्हाट आई वांटेड टू नो एंड आई वांट टू शेयर एज वेल कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड। लाइक इफ यू टॉक अबाउट CDS 1, CDS 2 2013 और 14, द मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई वॉज ओनली 15%, बट आज की डेट में वो 20% हो गया, राइट। सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बट दिस डेज एज पर द ट्रेंड्स फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स व्हाट यू नीड इन SSB इज 40%, राइट। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। ऑफिशियल अपडेट अर्लियर इन 2014-15 में आपको मिल जाएगा UPSC के पोर्टल पे। डेटा सजेस्ट मतलब द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, राइट। आई हैव यूज दिस सोर्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट मार्क्स फॉर NDA, फॉर CDS, बिकॉज ये दो UPSC कराती है जिनके मार्क्स पब्लिक डोमेन में है, आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट आपको हर एक सेक्शन में अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा मतलब अगर एक सेक्शन बेकार भी हो गया, लेट सपोज यू आर नॉट डूइंग गुड और नॉट परफॉर्म गुड इन इंटरव्यूज और मे बी इन GTO, हो सकता है आप दूसरे सेक्शन में करें। अब एकदम बेकार नहीं करना, राइट। सो यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन SSB, ड्यूरिंग SSBs, कि हाँ ये मेरा दिन अच्छा नहीं हुआ, राइट। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर क्वाइट, यू नो, मे बी लोअर मार्क्स अराउंड 40-50% मार्क्स इन इंटरव्यूज, बट यू हैव डन गुड इन GTOs और मे बी साइकोलॉजी और यू नो दे वन ऑफ द स्क्रीनिंग काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो ओवरऑल यू हैव टू कीप गोइंग, यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। आप तो जितना अच्छा करना चाहो करो, जितने ज्यादा मार्क्स लग सकते लाओ, दैट इज ऑलवेज गुड एंड हेल्दी फॉर ए कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स। आई होप दिस डिस्कशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।